आज संसद में इमरान खान को विपक्ष ने जमकर घेरा है। संसद में इमरान सरकार की ओर से अविश्वास प्रस्ताव टालने की पूरी कोशिश की गई और इतना ही नहीं, जिस इमरान खान की कुर्सी को लेकर वोटिंग होनी थी उस संसद में खुद इमरान मौजूद नहीं थे। आखिर कैसे फंस चुके हैं इमरान खान, इस रिपोर्ट में देखिए। इमरान अपना अक्सरियत खो बैठा है, अदालत के ऑर्डर पे अमल करो और वोटिंग करो। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते तौहीन अदालत कर रहा है। इमरान का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन इमरान खान फैसला मानने को तैयार नहीं। नियाजी को ना लोकतंत्र पर विश्वास है और ना ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर। जिस संसद में इमरान की धज्जियां उड़ाई गईं, उस संसद में इमरान खान गायब थे। जिस संसद में अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग होनी थी, वहां से इमरान खान भाग गए। ये हुक्म आया है, अदालत ने ये फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते आईन शिकनी कर रहे हैं। विपक्ष ने ठान लिया है कि इमरान सरकार को उखाड़ फेंकना है। हकीकत ये है कि अक्सरियत इस तरफ है, अक्सरियत इस तरफ है। इमरान अपना अक्सरियत खो बैठा है। पहले असेंबली भंग की, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने दी और जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख मुकर्रर की तो आज इमरान खान संसद पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पेश कर रहा, हम अपना मौकिफ पेश करेंगे, आवाम जो फैसला करेगी हम कबूल कर लेंगे। क्या जमहूरियत इसको नहीं कहते? क्या जमहूरियत किसको कहते हैं? वोट हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ओ भाई जान, कह रहे हैं वोट कराओ, जिथे नोट लग गया तो वोट भी हो जाएगा। पाकिस्तान के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। इमरान की आखिरी चाल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी। अब बस चंद मिनट बचे हैं। जिस वोटिंग को सुबह 10:30 बजे शुरू होना था, वो आज रात 8:30 बजे पाकिस्तान में होगी, जहाँ इमरान खान का जाना तय माना जा रहा है। पाक संसद में कुल सांसदों की संख्या 342 है, यानी इमरान खान को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए 172 वोट हासिल करने हो। लेकिन मौजूदा वक्त में इमरान खान की सरकार को 142 सांसदों का ही समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष अपने साथ 199 सांसदों के होने का दावा कर रहा है। तो कौन? विपक्ष ने एक बार फिर इमरान खान के चुनाव पर सवाल खड़े किए। वहीं इमरान सरकार एक बार फिर इलेक्शन कराने की ही बात कर रही है। इनका ये साजिश है कि या सिलेक्शंस का रिपीट हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस हो, या हम इतना बोहरान पैदा करें, इतना तमाशा पैदा करें और आमरियत सामने आए, मिलिट्री रूल हो, डेमोक्रेसी का खात्मा हो। इसलिए जमहूरियत के मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शंस होते हुए इमरान खान का सियासत नहीं बचता। गली मोहल्ले में लड़ाई बढ़ती जा रही है और अगर कोई ये सोच रहा है कि इसका अंजाम कोई बहुत ही खुश आयन निकलेगा तो मैं इतना पुरुमीद नहीं हूं। मैं तो 4 महीने पहले कहता था इलेक्शन करा दो, अब भी कहता हूं। इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है तो एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। इमरान सरकार के मंत्री बोल रहे थे कि इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। इमरान खेले, आउट हुए, मैच हारे, लेकिन वो ये हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब लड़ाई मैच रद्द कराने को लेकर, किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बचाने को लेकर। लेकिन विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि नियाजी अब और नहीं, आज तक भी होगा।